यदि सारी पृथ्वी का कागज बनाऊं और जितनी वनस्पति है पृथ्वी पर, कितनी वनस्पति? सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, भार 18 सगल जुतारे। यदि सभी वनस्पति का एक एक पत्ता लूं तो 18 भार बनेंगे, और एक भार वो ढाई मन का बताया, यानी एक क्विंटल के लगभग वजन, और सभी का अगर जोड़ा जाए तो 18 क्विंटल वजन। इतनी वनस्पति, सारी वनस्पति की कलम बनाऊं और जितना जल है उस सबकी मसी यानी शाही बनाऊं, तो भी संतों की महिमा गुरुओं की महिमा वो बखान नहीं की जाती, उसको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। इसी कड़ी में सतगुरु रविदास जी महाराज की कृपा से, सतगुरु स्वामी श्रमणदास जी महाराज की स्मृति में, जो सतगुरु श्रमणदास ध्यान योग आश्रम की ओर से बेगमपुरा शोध संस्थान के माध्यम से आज ये सुंदर दरबार सजा है, आश्रम का वार्षिक संत समागम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु श्रमणदास जी महाराज और तमाम संतों को मैं सादर वंदनी करते हुए मंच को सुशोभित कर रहे विभिन्न वेशभूषा से यहाँ पर मंच की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, अपनी चरण धूलि से नगर को पवित्र करने के लिए पधार को वंदनी करता हूँ, और साथ ही अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुँचे श्रीमान कंवरपाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जिनकी उपस्थिति से आज ये मंच शोभायमान हो रहा है। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। साथ ही श्रीमान घनश्याम दास सरोड, माननीय विधायक महोदय हमारे बीच उपस्थित है, साथ में ही श्रीमान मदन चौहान जी, माननीय मेयर साहब, जिनकी उपस्थिति से मंच शोभायमान हो रहा है। साथ ही श्रीमान मुकेश गर्ग जी, माननीय सदस्य राज्य विधि आयोग, जो मंच को शोभायमान कर रहे हो, और साथ ही बैठे हैं हमारे भोते जी सोम प्रकाश नंबरदार जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान मास्टर अमर सिंह जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सुरेंद्र जी DAG जो अभी प्रमोट हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है पूरी टीम का, और हमारे जो शिवराम जी मौजूद हैं वहाँ पर, इनका भी, और जो भी सहयोगी और पूरी टीम मंत्री जी के साथ, विधायक जी के साथ और माननीय मेयर साहब के साथ में यहाँ पधारे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ मैं आश्रम समिति की ओर से, ट्रस्ट की ओर से। साथ ही जो सतगुरु श्रमणदास ध्यान योग आश्रम बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट जन सेवा के कार्य कर रहा है, इसमें पिछले कई वर्षों से आप सभी को विदित है, सारी संगत का सहयोग रहता है, संगत को जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही नशा मुक्ति की एक मुहिम चल रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे युवकों को जो नशे की लत से बुरी तरह टूट चुके थे, जिनका परिवार टूट चुका था, उनके नशे को छुड़ाया गया, और आज भी ये मुहिम इतनी तेज चल रही है संस्थान की ओर से कि नशा मुक्ति का यह अभियान बहुत सारे परिवारों को आबाद करने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ ही आश्रम परिसर में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है, साथ ही एक जो ट्रस्ट का संकल्प है गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल बनाने का, एक सपना है गुरु महाराज के नाम से एक स्कूल बनाया जाए, उस पे ट्रस्ट काम कर रहा है। पिछले वर्षों में स्कूल के लिए जमीन खरीदी गई है और अब जल्द ही उसमें निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा, आप सबके सहयोग से भी, मंत्री महोदय जी के सहयोग से, माननीय जो है विधायक महोदय मेयर महोदय बड़ा सहयोग रहा है पहले से ही, तो मेरी ओर से तो फिर से बार बार पूरे संस्थान आश्रम और कमेटी की ओर से मैं स्वागत करते हुए यही अपील करूंगा
कि आप थोड़ी सी कृपा करें और ये संगत को, समाज को जो एक ऐसा एक उत्साह बढ़ा हुआ है, जैसे यमुनानगर के 550 गांवों में मैंने जनसंपर्क अभियान के माध्यम से भ्रमण किया तो प्रत्येक गांव में हमारे जाने पर 1000-2000 श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और उनमें उत्साह था कि गुरुविदास जी महाराज के नाम से मंदिर और ये चीज़ें बन रही है, साथ ही एक स्कूल भी गुरुविदास जी महाराज के नाम से वो बनने जा रहा है और इसका सौभाग्य यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। तो सारी संगत को मैं फिर से एक आश्वासन देता हूँ, क्योंकि 2 वर्ष लगभग हो गए, आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे कि स्कूल का कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ है, तो अब वो समय दूर नहीं है, जल्दी से ही ये कार्य शुरू भी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी पूरा भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से स्वागत करते हुए माननीय मंत्री महोदय जी का, विधायक जी का और मेयर साहब का और पूरी टीम का स्वागत करते हुए संक्षेप में मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और तमाम संतों को भी नतमस्तक होते हुए, बंदगी करते हुए मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम सतनाम सतनाम, सतनाम।